नमस्कार। दुनिया का सबसे अच्छा लंच, जी हाँ, दुनिया का सबसे अच्छा लंच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा लंच वो है जिसको खाने से हम कभी बीमार नहीं होंगे, और अगर लंबी बीमारी किसी को है तो उसकी बीमारी भी रिवर्स हो जाए। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आप गैस करें, ऐसा कौन सा लंच हो सकता है? क्या ऐसे लंच छोले भटूरे हैं? क्या राजमा चावल हैं? क्या कढ़ी चावल हैं? क्या समोसे हैं? क्या पराठे हैं? इसमें क्या लंच हो सकता है ऐसा? क्या इसमें नान है? तो आपको गैस करना होगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके रिसर्च हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च के रिसर्च हुई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का कितना बेनिफिट है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। तो ऐसा लंच जो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट करता है और आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है, ऐसा लंच, और जो मैं अक्सर लंच लेता हूं दोपहर के टाइम में, मैं वो लंच आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये है लंच, दुनिया का सबसे अच्छा लंच। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब फलों से कैसे काम चलेगा, आप तो घास फूस खाते रहते हो, फल खाते रहते हो। देखिए, पतली बॉडी रखने के लिए, फिट बॉडी रखने के लिए जरूरी है कि आप लंच में केवल यही करें, आप पेट भर के खाना खा लें सुबह 10 बजे, फिर शाम को पेट भर के डिनर कर लें, ब्रंच करें सुबह 10 बजे पेट भर के, और शाम को 6 बजे डिनर करें पेट भर के, लेकिन दोपहर में तो लंच से ही काम चलाएं। ये देखिए, ये सपोर्ट किसको करता है? ये बिजनेसमैन को भी सपोर्ट करता है, सर्विसमैन को भी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ताजा खाना, आप कहते हैं ताजा खाना कैसे खाएं, हम तो ऑफिस में जाते हैं। तो ऑफिस में तो ताजे फल मिल सकते हैं आपको, ताजे फल घर से भी लेके जा सकते हैं, ऑफिस में भी मंगवा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, फिर उसमें बासी खाने का भी दिक्कत नहीं रहेगी। इससे बड़ा हेल्प मिलने वाली है। क्या क्या हेल्प मिलती है मैं वो बताऊंगा आपको, और क्या क्या इसके इसके शर्तें क्या क्या हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ऐसे लाइव सेशन करता रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, जगदम्बा बेबी केयर पे। ऐसी ऐसी वीडियो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखी है, और मेरे इस प्लेटफॉर्म पे भी मिलियंस ऑफ लोग ऐसी वीडियो देखते हैं। तो आप ये जरूर इसको देखें ध्यान से। बस ये ध्यान रखना आपको कि आपने 3-4 घंटे पहले और कुछ ना खाया हो, बस 3-4 घंटे खाली पेट रह के फिर फल खाएंगे, तो फल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। एक एक ऑर्गन बॉडी का, हमारे चाहे लंग्स हो, हमारी स्किन हो, हमारे बाल हो, हमारा लीवर हो, हमारी स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, हमारे हार्ट को कैसे सपोर्ट करते हैं। फाइबर्स मिलेंगे तो हार्ट की पंपिंग अच्छी रहेगी। जहां हम केवल भारी खाना ही खाते रहेंगे, ज्यादा अनाज खाएंगे, नमक खाएंगे, मीठा खाएंगे, पका हुआ खाना खाएंगे, उस खाने की प्रॉपर्टी होती है एसिडिक। अगर हमने छोले भटूरे खाए, अगर हमने पराठे खाए, वो सारा एसिड बनेगा, वो कोलेस्ट्रॉल को चिपकाने का काम करता है। जो हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, हमारे हार्ट के वाल्व हैं, ये वाल्व नहीं काम करते ठीक तरह से, वॉल्स में चिपक जाता है। हमारी सारे अंदर के जो चैम्बर्स हैं, ये सारे इनकी ब्लॉकिंग, और ब्लड वेसल्स हैं इनकी ब्लॉकिंग होती है। तो इसलिए हमारे हार्ट और ये सारी जो पेरिफेरी में भी कहते हैं वेरिकोज वेंस हो गई, मेरे को तो पीसीओडी हो गई, मेरा फैटी लीवर हो गया, ये तब होता है जब हम खाना ही खाना खाते रहते हैं। कई बार खाना मैं चाहता हूं कि 2 बार खाएं, सुबह ब्रंच करें 10 बजे, और शाम को 9-10 बजे कर लें, जब भी ऑफिस जाते समय या बिजनेस पे जाते समय, और शाम को 6 बजे डिनर कर लें, लेकिन दोपहर में फल खाएं। फल हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। फलों की जो प्रॉपर्टी है वो एल्कलाइन होती है। जो फल होते हैं ये एल्कलाइन होते हैं। बेर है, देखिए कितने प्यारे बेर हैं ये, और ये देखिए, ये संतरे हैं, छोटे छोटे संतरे, थोड़े सस्ते हैं लेकिन ये देसी संतरे हैं। ये अनार हैं छोटे छोटे। देखिए, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब फल महंगे हैं, ऐसा नहीं है। बीमारियों की दवाइयां महंगी हैं, अगर ऑपरेशन करवाना पड़ गया वो महंगा है, अगर हमें दाखिल होना पड़ गया वो महंगा है, फल फिर भी हमारी रक्षा करेंगे। ये मौसम की सेब है, ये गन्ना है। मैं तो जब स्वामी रामदेव जी से मिलता हूँ, उनसे के पास मैं मिलने जाता हूँ, मैं फल ही लेके जाता हूँ उनके पास, मैं फलों की कंडिया लेके जाता हूँ, और वो बड़ा खुश होते हैं, छांट छांट के मैं अच्छे से अच्छे फल ले जाता हूँ। ऐसे ये मौसम के अंगूर है, काले अंगूर, ये बहुत अच्छा फल बताया गया। ये बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, क्योंकि एल्कलाइन होते हैं, और अगर हम जो पका हुआ खाना खाते हैं वो एसिडिक फूड होता है, वो हमारी ब्लड वेसल्स में चिपकता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है और चिपकता है पका हुआ खाना। तो इसलिए उससे बच के, अगर हम उसको राशि भोजन भी बोला गया, जितना मिठाई खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, वो राशि भोजन है, और जो जो हम बीड़ी शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो सब तामसी भोजन है, उसके बदले में सात्विक भोजन बताया गया। मैं तो आयुर्वेद को भी फॉलो करता हूँ, वैसे मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो फल है इनमें अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स है, मिनरल्स भी है, डिफरेंट फलों में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं, तो बदल बदल के खाते रहे। कभी हमने अनार खा लिया, कभी सेब खा लिया, कभी संतरा खा लिया, बदल बदल के फल खाते हैं, जो कि बॉडी को सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फलों में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, तो फल हमारे हार्ट की रक्षा करते हैं, और फलों में फाइबर्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो फल हमें कब्ज नहीं होने देंगे। अंगूर खाएंगे तो कब्ज की शिकायत होगी नहीं। अगर हम गन्ना चूसेंगे तो गन्ने से जो मिठास मिलेगी हमें, इससे शुगर की दिक्कत नहीं होती। अगर हम चीनी खाएंगे, अगर हम बाजार की शुगर खरीद खाएंगे, मिठाई खाएंगे, उससे शुगर को बढ़ावा मिलता है। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योग करते हैं, सुबह मालिश करते हैं, तो फिर हम गन्ना पेट भर के गन्ना चूस सकते हैं, फिर हमें दिक्कत नहीं होती। तो मैं चाहता हूं कि अगर इनसे बचना, बस 5 शर्तें आपको ध्यान रखनी है। एक तो
3 घंटे पहले पीछे कुछ ना खाएं, कम से कम 3 घंटे का गैप हो। जब खाली पेट फल खाएंगे हम दोपहर के टाइम में, तब हमें फायदा मिलेगा। एक, फलों के साथ में पानी ज्यादा ना पिए, यह ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, फलों के साथ में फिर कोई प्रोटीन्स या कोई चीज ना लें, दूध फलों के साथ ना लें। एकदम दूध फल के साथ साथ, मान लो खट्टे फल खाए हमने, दूध ले लिया, तब भी नुकसान होगा। दूसरा, जो हम डिनर करें और ब्रंच करें वो 7-8 घंटे के अंदर कर लें। हम इंटरमीडिएंट फास्टिंग को सपोर्ट करेंगे तो हमें बीमारियां होंगी नहीं, तो फिर बीमारी नहीं होगी। अगर हम दिन भर पके हुए खाने के साथ में फल खाएंगे तब हमें दिक्कत हो सकती है, नॉनवेज के साथ फल खाएंगे तब हमें दिक्कत हो सकती है। तो पका हुआ खाना जो एसिडिक फूड होता है उसके साथ में ये विरुद्ध आहार बन जाता है, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसे बचा रखना होगा, फिर आप बीमार नहीं होंगे। और बीमारियां चाहे पीसीडी हो, चाहे फैटी लीवर हो या फाइब्रॉइड हो, ये बीमारियां रिवर्स भी हो सकती हैं अगर दोपहर में केवल फल खा के काम चलाएंगे। मैं तो दोपहर में केवल फल खाता हूं, मैं चाहता हूं आप भी करें। और आप इस प्लेटफॉर्म को पे विजिट भी करें, जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक।